केंद्रीय स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नागपुर नगर निगम और अंतरमना क्रिएशंस के संयुक्त रूप से जागर स्वातंत्र की देशभक्ति गीत गायन प्रतियोगिता के अंतिम दौर बुधवार को रेशमबाग स्थित कविवर्य सुरेश भट्ट सभागृह में संपन्न हुआ। प्रतियोगिता के विजेता टीम वर्ग में स्कूल ऑफ स्कॉलर्स और व्यक्तिगत वर्ग में श्रद्धा यादव रही। विजेताओं को महापौर दयाशंकर तिवारी और क्रीड़ा सांस्कृतिक सभापति प्रमोद तबानी द्वारा पुरस्कार प्रदान किए गए। इस दौरान सुप्रसिद्ध गीतकार जयंत इंदुरकर, गांधीबाग जोन सभापति श्रद्धा पाठक, क्रीड़ा सांस्कृतिक अधिकारी पीयूष आंबुलकर, अंतर्मना क्रिएशंस के कुणाल गडेकर, मकरंद भालेराव, सारंग मास्टे उपस्थित थे। 5 से 15 और 15 से आगे की आयु समूह में प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। फाइनल राउंड में प्रतियोगियों ने एक से बढ़कर एक बेहतरीन गानों से दर्शकों का दिल जीता। टीम ग्रुप में प्रथम विजेता स्कूल ऑफ स्कॉलर्स है तो द्वितीय आरएस मुंडले, तृतीय आविष्कार कला अकादमी और प्रोत्साहन पर पुरस्कार सेवा सदन सक्षम सीवीएस स्कूल ने जीता है। व्यक्तिगत समूह में प्रथम श्रद्धा यादव, द्वितीय प्रीत चुरे, तृतीय मोहम्मद जियाउद्दीन, इसी के साथ प्रोत्साहन पर इनाम श्याम बापटे ने प्राप्त किया है। 5 से 15 वर्ष के आयु वर्ग में प्रथम ग्रांथिक खोबरागड़े, द्वितीय साईश देशपांडे, तृतीय सिद्धेश कूथे, उत्तेजनार्थ माधव मूले, ध्रुव कुवरे विजयी रहे हैं। प्रतियोगिता में कुल 165 गायकों ने भाग लिया। अंतिम दौर के लिए 30 प्रतियोगी और 6 टीमों का चयन किया गया। टीम ग्रुप से प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए 11,000 नगद, द्वितीय 7,000 रुपए, तृतीय 5,000 रुपए, उत्तेजनार्थ 1,000 रुपए इनाम प्रमाण पत्र और सम्मान चिन्ह प्रदान किए गए। कार्यक्रम का संचालन अमोल शेंडे ने किया। कुणाल गडेकर ने धन्यवाद दिया। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।